हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज कबीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल टेक्निकल विश। तो गाइस, इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी कि आप कैसे विंडो 11 सुपर लाइट इंस्टॉल करोगे अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आपके अंदर जो भी विंडो 11 इंस्टॉल है, क्यों ना आप उसी को सुपर लाइट कर लो। तो गाइस, इसको करने के लिए सिंपली आपको गिटहब के इस पेज पर आना है और यहाँ पे आपको रिलीज पर क्लिक करना है। रिलीज पर जब आप क्लिक करोगे, जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर क्लिक करके आपको TIW11.zip फाइल इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर दिखेगा, इस पर डबल क्लिक करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी आपको एक फाइल दिखेगी, दिस इज विन 11, इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। को करने से पहले हमें अपने सिस्टम का रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना होगा। बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो अपने सिस्टम को हम रिस्टोर कर सके। तो क्रिएट रिस्टोर सर्च करना है और यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट रिस्टोर पॉइंट पे। अगर यहाँ पे आपका ये ऑफ है तो कॉन्फिगर पे क्लिक करके इसे ऑन कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो भी आप नाम देना चाहते हो रिस्टोर पॉइंट का, वो नाम आप दे सकते हो। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है। 1 से 5 से 10 सेकंड लगाएगा रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने में और उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो मेरा रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो गया है और ओके पे क्लिक कर देना है। सिस्टम में आने पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जिस चीज़ पे चेक लगा हुआ है, इसका मतलब जब आप फिक्स इशू पे क्लिक करोगे वो चीज़ आपके विंडो 11 के अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो आपको अगर इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए अपने विंडो 11 के अंदर तो सिंपली उस पर चेक लगा दीजिए और फिक्स इशू पे क्लिक कर दीजिए। तो पहले हम इस पर ना करके हम चलेंगे पहले ऐप्स पे, और ऐप्स में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारी ऐप्स देखने को मिल जाती है जो हमारे विंडो 11 के अंदर इंस्टॉल हैं। और यहाँ पे नीचे की साइड आपको देखने को मिलता है शो सिस्टम ऐप का। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी सिस्टम ऐप्स भी शो होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब आप शो सिस्टम ऐप्स पर क्लिक करोगे, अगर आप ऐड ऑल पर क्लिक करते हो और एम्प्टी रिसाइकल बिन पर क्लिक करते हो, आपकी सिस्टम ऐप भी चली जाएंगी। तो मैं आपको वन बाई वन का मेथड बता दूं। अगर मुझे बिंग न्यूज़ नहीं चाहिए तो मैं ऐड सिलेक्टेड पे करूंगा और एम्प्टी रिसाइकल बिन पे क्लिक कर दूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग न्यूज़ मेरे विंडो 11 में से चला जाएगा। तो गाइस, अगर आपको विंडो 11 अपना सुपर लाइट चाहिए तो आप सब हटा सकते हो। अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें हटानी है अपने मन पसंद की तो आप सिंपली ऐड क्लिक करके ऐड सेलेक्टेड कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मुझे अपना विंडो 11 सुपर लाइट चाहिए, तो मैं शो सिस्टम ऐप पे क्लिक किया तो आप सारी जितनी भी ऐप इंस्टॉल हैं वो सारी शो कर रहा है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड ऑल पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख रहे हो सारी ऐप हटने के लिए तैयार हो गई हैं, सिर्फ मुझे एम्प्टी रिसाइकल बिन पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं इसमें से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को रोक लूँगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विंडो स्टोर, तो मैं इसको यहाँ पे रीस्टोर सिलेक्टेड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे हटा दिया। और इसमें से मुझे अगर और कुछ भी चाहिए तो मैं उसे भी रोक सकता हूँ, उसे रीस्टोर सिलेक्टेड। कैलकुलेटर मैंने रोक लिया। देन उसके बाद मुझे नोटपैड चाहिए तो मैंने नोटपैड भी रोक लिया। एंड देन उसके बाद आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप रोक सकते हो अपने हिसाब से। देन उसके बाद आपको सिंपली एम्प्टी रिसाइकल बिन पे क्लिक कर देना है। यस करने के बाद आप देखोगे जितनी भी सारी ऐप्स थी, मैंने सारी ऐप्स टोटल ऐप्स जितनी थी उनको हटाना शुरू कर दिया। देखिए इंस्टॉलिंग होना शुरू हो गई है। तो गाइज़ आप देखोगे मैंने 86 ऐप सेलेक्ट की थी जिसमें से सिर्फ 43 ऐप्स ही रिमूव हुई हैं, बाकी ऐप्स नहीं रिमूव हो पाई हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एज भी मैंने सेलेक्ट किया था रिमूव करने के लिए, वो नहीं रिमूव हुआ है क्योंकि वो ओपन था, इस वजह से रिमूव नहीं हुआ है। लेकिन 43 ऐप्स रिमूव हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ ऑल ऐप्स में, अब मेरा पीसी के अंदर कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल खाली हो चुका है। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मैंने रोका था, नोटपैड मैंने रोका था, वो बचा हुआ है। और यहाँ पर वन ड्राइव का फोल्डर दिख रहा है, ये सिर्फ फोल्डर है, बाकी वन ड्राइव गायब हो चुका है। तो इस तरीके से आप कई सारी ऐप्स को हटा सकते हो एक सिंपल से छोटे से सॉफ्टवेयर के जरिए। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सारी ऐप्स को हटाओ, आप सिंपली वन बाय वन सेलेक्ट करके ही हटाओ, क्योंकि इसमें से आपकी ऐसी ऐप्स भी हट सकती हैं जो आपके यूज़ के लिए हो। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप सिंपली वन बाय वन करके ही ऐप को हटाना। मैंने सिर्फ शो करने के लिए आपको ये दिखाया था।
इसके बाद गाइस यहाँ पे सिस्टम को ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसा मैंने आपको बताया था। अगर आपको जो सेटिंग चाहिए उस पर टिक लगा के फिक्स इशू पे क्लिक करके वो सेटिंग आपके विंडो 10 में अप्लाई हो जाएगी। आपको काफ़ी केयरफुली इस स्टेप को करना होगा, देखना पड़ेगा कौन सी सेटिंग आप अप्लाई करना चाह रहे हो और किस सेटिंग के बाद क्या हो सकता है। तो आपको जो सेटिंग चाहिए उस पर चेक करके फिक्स इशू पर क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पैकेजेस का ऑप्शन आता है, यानी कि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर दिए गए पहले से ही। सिंपली अगर आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए उस पर क्लिक किया, क्रिएट पैकेज, रन इंस्टॉलर करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया। कुछ नया नहीं है, कुछ खास यूज़ का भी नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑटोमेट का। बाय चांस गलती से अगर आपसे सारी ऐप्स रिमूव हो गई हैं और आप चाहते हो कि सारी ऐप्स फिर से वापस आ जाए, तो सिंपली री इंस्टॉल ऑल बिल्ट इन ऐप्स पे टिक लगाना है और अप्लाई सेलेक्टेड पे करके इसे अप्लाई कर देना है। तो आपकी जितनी भी ऐप्स होंगी सारी वापस आ जाएंगी। उसी तरीके से आप इसमें अपने हिसाब से जो भी आपके लिए बेस्ट हो वो कर सकते हो, लेकिन काफ़ी केयरफुली करना है क्योंकि एक बार जो रिमूव हो गया बेशक वो वापस भी आ सकता है लेकिन वो क्या पता वापस ना आए। लेकिन उससे पहले आपको रीस्टोर पॉइंट ज़रूर क्रिएट कर लेना है जिससे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से अपने पीसी को रीस्टोर कर सको। तो गाइस काफ़ी अच्छा टूल है लेकिन काफ़ी केयरफुल तरीके से आपको करना होगा। वन बाय वन आंखें खोल के देख के ही आपको सब सेलेक्ट करना है, अंधाधुंध कुछ भी अनइंस्टॉल नहीं कर देना है। तो काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी पावरफुल टूल है, विंडो 11 को काफ़ी सुपर लाइट बना सकता है। कुछ भी आप कर सकते हो, हटा सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो